की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आवाज क्यों ऐसी है? मोदी जी विदेश में है, मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि कोटपुतली के अंदर भारतीय जनता पार्टी वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बिछिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित यहां के लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री और मेरे परम मित्र कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी, मंच पर उपस्थित जिनको मैं जिताने के लिए आज यहां आया हूं, ऐसे हमारे प्रत्याशी भाई मुकेश गोयल जी, विराटनगर के प्रत्याशी श्रीमान फूलचंद भिंडा जी, जिला अध्यक्ष जयपुर ग्रामीण के रामानंद गुर्जर जी, श्री विष्णु मित्तल जी, श्री रघुवीर गौड़ जी, श्री बनवारीलाल यादव जी, श्री विक्रम सिंह तवर जी, शंकरलाल सैनी जी, श्री राम यादव जी और आज के कार्यक्रम में उपस्थित माताओं, बहनों, भाइयों और मेरे कलेजे के टुकड़े जैसे युवा मित्रों। मित्रों, समय कम है मगर मुझे बहुत दिक्कत नहीं है। कहते हैं जिनमें अकल होती है इसको इशारा काफी है, और कोटपुतली वाले तेज होते हैं, होते हैं ना तेज। मित्रों, 7 तारीख को इसमें कोई दुविधा नहीं है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली, मगर मैं आज जिद कर कोटपुतली आया हूं। मैं इस मंच से कोटपुतली वालों को कहना चाहता हूं कि मैं इस विजय को विजय तभी मानूंगा जब कोटपुतली की सीट पर कमल खिलकर यहां से जयपुर जाएगा। मित्रों, ढेर सारी सीटें आने के बाद भी गत विधानसभा में आपने कमल नहीं भेजा, हमारा सिकवा है, आपसे फरियाद है, दूर करोगे क्या? जरा जोर से कहो, दूर करोगे क्या? मित्रों, साफ मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में से एक पार्टी को पसंद करना। जवाब मुझे मालूम है, मैं पूरे राजस्थान में घूमता जयपुर आया हूं। ऐसी ही भीड़, ऐसी ही मेदनी, ऐसे ही माताओं का आशीर्वाद लेता मैं यहां आया हूं, परिणाम मुझे मालूम है। मगर ये कांग्रेस वाले जो है ना, ये कांग्रेस वाले स्वप्न देखने की आदत नहीं छोड़ती। अभी मैं मैंगलोर से मध्य प्रदेश जा रहा, एक वेटिंग रूम के अंदर एयरपोर्ट में बैठा था, टीवी चालू कर तो राहुल बाबा दिखाई पड़े। अरे क्यों हंस रहे हो भैया? राहुल बाबा भाषण दे रहे थे, और भाषण क्या दे रहे थे कि राजस्थान मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। अरे राहुल बाबा, स्वप्न देखने की मनाही नहीं है मगर दिन में नहीं देखा करते भैया, दिन में नहीं। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश का चुनावी इतिहास उठाकर देख लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। आपकी पार्टी को भारत माता के नक्शे पर दूरबीन लेकर ढूंढना पड़ता है, दूरबीन लेकर। राहुल बाबा को चुनावी इतिहास मालूम नहीं है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, बताऊं क्या? आप मेरे साथ जोर से बोलोगे तो बताऊंगा। देखो, 2014 के चुनाव के बाद सबसे पहला चुनाव आया महाराष्ट्र में, परिणाम क्या आया? कांग्रेस गई, भाजपा आई। जोर से बोलो, परिणाम क्या आया? दूसरा चुनाव आया हरियाणा में, कांग्रेस गई। तीसरा चुनाव झारखंड में, कांग्रेस गई। चौथा चुनाव कश्मीर में, कांग्रेस गई। पांचवा चुनाव असम में, कांग्रेस गई।
छठा चुनाव मणिपुर में कांग्रेस गई, सातवां चुनाव नागालैंड में कांग्रेस गई, आठवां चुनाव मेघालय में कांग्रेस गई, नौवां चुनाव त्रिपुरा में कांग्रेस गई, दसवां चुनाव हिमाचल में कांग्रेस गई, ग्यारहवां चुनाव उत्तराखंड में कांग्रेस गई। क्यों आवाज ढीला पड़े अभी बहुत है भी, जरा जोर से बोलो। ग्यारहवां चुनाव उत्तराखंड में कांग्रेस गई, बारहवां चुनाव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस गई, तेरहवां चुनाव गुजरात में फिर से भाजपा ही, चौदहवां चुनाव गोवा में फिर से भाजपा ही, अब राजस्थान में है। बताओ क्या होगा कोटपुतली वालों, जरा जोर से बोलो क्या होगा। अरे मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी कोई लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, गांधी नेहरू परिवार की प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म। अभी मैं सोशल मीडिया में एक वीडियो आया, मैं एक वीडियो देख रहा था और वीडियो में बीकानेर के कोई कांग्रेस के प्रत्याशी पर्चा डालने के, बाद में इसका तो बिचारे का टिकट भी कट, पर्चा डालने के लिए जा रहे, साथ में कार्यकर्ता खड़ा था, भोले भाव से बोला भारत माता की जय, उन्होंने मुंह दबा दिया, नजदीक बुलाया, कान में कुछ कहा, बाद में वो बोला सोनिया गांधी की जय। हंसो मत कोटपुतली वालों, ये दुख की बात है और कांग्रेस के लिए शर्म की बात है। शर्म करो कांग्रेस वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, भारत माता की जय बोलते हुए आपको शर्म आती है तो इस देश का अनाज और पानी खाने का आपको कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। अरे हम तो वो पार्टी के कार्यकर्ता है, अरे हम तो वो पार्टी के कार्यकर्ता है, देह में जिस दिन प्राण नहीं रहेगा, देह जमीन पर पड़ा होगा, फिर भी कोई कार्यकर्ता आकर बोलेगा भारत माता की, तो तुरंत ही देह में प्राण दो क्षण के लिए लौट आएंगे, हाथ उठेगा और जोर से बोलेंगे भारत माता की। मित्रों, इनको भारत माता की जय बोलते हुए शर्म आती, ये पार्टी देश का भला नहीं कर सकती, ये पार्टी देश की रक्षा नहीं कर सकती, ये पार्टी देश का विकास नहीं कर सकती, वो अपने को विकास में जो लगे है वो देश का विकास क्या करेंगे। मित्रों, अभी मैं सुन रहा था पायलट साहब, तो पायलट साहब हमें पूछ रहे थे कि बताओ भाई आप लोगों ने राजस्थान के लिए क्या किया। पायलट साहब, आप आपकी पार्टी का हिसाब किताब देख कर आओ। मैं बता दूं कोटपुतली वालों, मुझे कोई सचिन पायलट का जवाब देने की जरूरत नहीं, मैं उनको जवाब देने भी नहीं आया हूं, मगर एक कोटपुतली वाले तो हमारे माई बाप है, माई बाप है, हमारे मालिक है। कोटपुतली वालों को जवाब देने आया हूं और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है मित्रों, जब हम चुनाव में जाते हैं पाई पाई और पल पल का हिसाब लेकर जाते हैं, हमने दायित्व लिया है तो हमने क्या किया है वो बताने जाते हैं। और कान खोल कर सुन लो, जब आपकी सरकार थी केंद्र में, यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आप राजस्थान को क्या देते थे। राजस्थान को आप 1,09,000 करोड़ रुपया देते थे, 13वें वित्त आयोग में 1,09,000 करोड़ रुपया दिया था, कितना दिया था जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब 14 का चुनाव आया, राजस्थान की जनता ने भोले शंकर की तरह कृपा कर दी, सारी की सारी सीटें मोदी जी की झोली में कमल बनाकर डाल दी। हमारे भाई राज्यवर्धन को भी आपने संसद के अंदर भेज दिया, मोदी जी की सरकार बन गई, मोदी जी की सरकार बनी, 14वां वित्त आयोग आया, 14वां वित्त आयोग के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 2,63,580 करोड़, 1,09,000 से बढ़ाकर 2,63,000 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आप हमें पूछते हो, हमने तो 4.5 साल हुए पायलट जी, आपके राहुल बाबा की 4-4 पीढ़ी ने शासन किया, उसका हिसाब तो तनिक कोटपुतली की जनता को दे जाओ, इसका हिसाब तो दे जाओ।
देना चाहिए नहीं देना चाहिए, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, आप मांगेंगे कांग्रेस के प्रत्याशी से हिसाब? भाई काम का हिसाब मांगना जनता का अधिकार है और हम पॉलिटिकल पार्टियों वाला का फर्ज बनता है। मैं तो लेकर आया हूं भाई 129 योजनाएं, नरेंद्र मोदी सरकार ने 129 योजनाएं बनाई हैं, जो 129 योजना के अंदर किसानों के लिए, गरीबों के लिए, माताओं के लिए, युवाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, ओबीसी के लिए अलग अलग योजनाएं हैं। 129 योजना की सूची है, मैं जोर से पढ़ता हूं मगर मेरे पास समय नहीं है, मुझे अभी दो कार्यक्रम और करने, जयपुर में भी करना है। तो आपको लगे कि मोदी सरकार ठीक काम कर रही है वहां ताली बजाकर रोक देना, ठीक है? तो मैं जोर से पढ़ता हूं, पढ़ू जोर से? ऐसे नहीं पढ़ूंगा भाई, जोर से बोलो तो ही पढ़ूंगा, पढ़ू क्या? और जोर से बोलो, पढ़ू क्या? तो ध्यान से सुनना जरा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, मेक इन इंडिया। अरे भाई अभी 9 तक पहुंचाऊ, 9 तक, ऐसी 129 योजना है नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं और एक कल के आए हुए राहुल बाबा हमारा हिसाब मांगते हैं। अरे राहुल बाबा, आपके शासन में इस देश के 60 करोड़ लोगों तक बैंक का अकाउंट नहीं था, बैंक का अकाउंट पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने, 6 करोड़ माताओं के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, 2 करोड़ गरीबों को घर देने का काम किया है, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है, 8 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाने का काम किया है, 13 करोड़ जच्चा और बच्चा सगर्भा माताओं को टीका लगाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। हमारा क्या हिसाब मांगते हो भाई? मित्रों, बामा साहब योजना के तहत 24 लाख लोगों को फायदा मिला राजस्थान में सिर्फ, उज्ज्वला योजना के तहत 40 लाख माताओं को गैस मिला, मुद्रा के तहत 50 लाख युवा युवतियों को लोन मिला, आवास योजना 13 लाख लोगों को घर मिला, वसुंधरा जी ने 50 लाख महिलाओं को टेलीफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, 11 लाख बेटियों को राजश्री योजना वसुंधरा जी ने पहुंचाई, युवतियों को स्कूटी पहुंचाया, युवाओं को लैपटॉप पहुंचाया, 80 लाख टॉयलेट अकेले राजस्थान के अंदर बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और ये हमारा हिसाब मित्रों, ये सब तो काम हमने करे ही है, ढेर सारे काम है, मगर सबसे बड़ा काम अगर नरेंद्र मोदी जी ने किया है तो देश को सुरक्षित करने का काम, देश की सुरक्षा कड़ी करने का काम। आपकी सरकार जी, मोनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, 10 साल तक सरकार चली, अरे पाकिस्तान से हर रोज आलिया मालिया जमालिया देश के अंदर घुसते थे, कोई नहीं रोकता था। नरेंद्र मोदी सरकार बनी, उरी के अंदर पाकिस्तान ने फिर से घुसपैठ करी, हमारे 12 युवाओं को, 12 जवानों को सेना के जिंदा जला दिया, पूरे देश के अंदर गुस्सा निराशा हताशा कि अब क्या होगा। मगर इस बार मोनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी, इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार, इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, इस बार भाजपा की सरकार थी। 10वें दिन रात को 12 बजे मोदी जी ने सेना के रणबांकुरों को हुक्म दिया, हमारे सेना के रणबांकुरे पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर हमारे जवानों की मौत का बदला लेकर। और मित्रों, जिस क्षण ये सर्जिकल स्ट्राइक समाप्त हुई, सेना के जवान भारत माता की जय के जयकारे के साथ भारत माता की भूमि पर पैर रखे, इस दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन। दुनिया में दो ही देश थे, अमेरिका और इजराइल, जो अपने जवानों के खून का बदला लेते थे।
दो ही देश थे और सर्जिकल स्ट्राइक समाप्त होते ही इन दो देशों की सूची में तीसरा नाम मेरे और आपके देश महान भारत का जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। आप हमें कहते हैं कि हमने क्या किया है? 1970 से इस देश में घुसपैठिए घुसते हैं, आपकी वोट बैंक है, मतों की लालच में आप घुसपैठिए को निकालते नहीं। 14 में मोदी जी की सरकार बनी, 16 के अंदर आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम एनआरसी लेकर आए। एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जिसके तहत घुसपैठियों को चिन्हित करने की व्यवस्था। अकेले आसाम में युवाओं कान खोल कर सुनो, कोटपुतली की जनता को बताना, अकेले आसाम में 40 लाख घुसपैठिए चिन्हित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। आप तो ताली बजाते हो, कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा में हाय तोबा मचा, ये पूरी राहुल बाबा एंड कंपनी रो रहे थे कि आक्रंद कर, अरे भाई क्यों निकाल रहे हो, कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, जैसे उनके मौसेरे भाई लगते हो। मित्रों, मैं उनको पूछना चाहता हूं, आपको उनके ह्यूमन राइट की चिंता हो रही है, मगर ये घुसपैठ कर हमारे जवानों पर हमला करते हैं, उनके शरीर के फुटचल्ले उड़ जाते हैं, उनके परिवार की ह्यूमन राइट की चिंता नहीं है? ये घुसपैठ कर भारत के युवा की रोजगारी ले जाते हैं, उनके ह्यूमन राइट की चिंता नहीं? उनकी भूख मेरे देश के गरीब की भूख को काटती है, उसके ह्यूमन राइट की चिंता नहीं? मगर मैं कोटपुतली वालों आपको एक वादा देने आया, आप 18 के अंदर राजस्थान में भाजपा की सरकार बना दो, 19 में नरेंद्र मोदी सरकार बना दो, 19 में मोदी सरकार बनने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक पूरे देश के अंदर से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर देश के बाहर निकालने का काम एक भारतीय। मित्रों, कांग्रेस जातिवाद और धर्म का जहर फैलाएगी, ये उनका चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में, हमने हर जाति को साथ में लेकर आगे बढ़ने की बात करी है। कोटपुतली वालों को मैं पूछना चाहता हूं, इस बार गत विधानसभा की तरह गलती तो नहीं होगी ना भैया? जरा जोर से बोलो। अरे मुझे क्या बेवकूफ बना रहे हो भाई, ये 10-12 हजार लोगों से मुकेश गोयल जीत जाएंगे, हंडा साहब जीत जाएंगे, क्या नहीं जीत सकते भाई? क्या करोगे बताओ, मैं बताऊं कुछ? जरा जोर से बोलो, मैं बताऊं? कितने लोगों के पास मोबाइल है, जरा हाथ ऊपर करो, सबके पास है ना लगभग। तो सभा समाप्त होते ही 50 लोगों को फोन कर कमल के निशान पर बटन दबाने के लिए कहना है, बहन को, बहने को, चाचा को, चाची को, मामा को, मामी को, फूफा को, फूफी को, माता को, पिता को, दोस्त को, पड़ोसी को, कहोगे भाई? ऐसे नहीं मानूंगा भाई, जोर से बोलो, कहोगे? 50 फोन करोगे, कमल के निशान पर बटन दबाओगे, राजस्थान में फिर से भाजपा की सरकार लाओगे, कोटपुतली के अंदर कमल खिलाओगे, हाड़ा साहब को जिताओगे, नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करोगे, 19 में फिर से भाजपा सरकार बनाओगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। भारत माता की, खाना खाएंगे, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे और भी कुछ दूँ। देश और पार्टी की सेवा में डटे लगे हुए माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा राम सिंह जी सैनी
प्रदेश अध्यक्ष